सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, एक नज़र मारदे हुण तक दी खास सुर्खियां ते। शंभू बार्डर उत्ते बणिया तनाव वाला माहौल, केंद्र सरकार ने गलबात लई किसान आगुआं नूं भेजिया सद्दा। बैठक तों बाद अगली रणनीति का ऐलान करनगे किसान आगू। खनौरी बार्डर उत्ते किसानों उत्ते सुट्टे गए अथरू गैस के गोले, कई किसान जख्मी, हस्पताल विच जेरे इलाज। पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय नूं दिता जवाब, मुख सकत्तर वालों पत्र भेज के दिता गया जवाब, पंजाब सरकार दा रख्या पक्ष। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब अते हरियाणा दे हद उत्ते खनौरी बार्डर उत्ते इस समय तनाव वाला माहौल बनिया होया। किसानां वल्लों बैरीकेडां वल वधण तों बाद हरियाणा दे सुरक्षा कर्मियों ने अथरू गैस दे गोले अते जल तोपां दा इस्तेमाल कीता। अथरू गैस के गोलों नाल हमले में कई किसानों के जख्मी होने की खबर है। दूजे पासे हरियाणा बॉर्डर उत्ते किसानों नूं रोकण लई पुलिस वल्लों सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए सन। किसानों के दिल्ली वल वधण तों पहलां ही केंद्र सरकार ने किसान आगुआं नूं सारे मसलों उत्ते बैठक लई गलबात दा सद्दा दित्ता है, जिस उत्ते किसान आगू विचार वटांदरा करके कोई फैसला करनगे। पंजाब अते हरियाणा दी हद उत्ते खनौरी बार्डर उत्ते इस वेले तनाव वाला माहौल बनिया होया। किसानों उत्ते पुलिस ने जल तोपां दी वरतों की है, हंझू गैस के गोले सुटे ने, जिस नाल दर्जना किसान जख्मी हुए हैं, जिन्हां नूं हस्पताल विच इलाज लई भर्ती करवाया गया। किसान आगू बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि पुलिस के सिविल वर्दी विच किसानां विच बढ़न दीआं खबरां मिलीआं ने। उन्हां कहा कि वह अंदोलन नूं फेल करन लई कोशिशां कर सकदी है। देखो गल ये कि बड़ा खतरनाक है, जिस तरह के हरियाणा के डी जी पी का जो बयान आया ना कि उन्हें चिट्ठी भी लिखी है पंजाब के डी जी पी कि ये जड़िया ने अपना बजुर्ग ने तो जेडे औरतों ने इन्हों अगे ना भेजा जाए। यदा मतलब ये होया कि जेडे ये नौजवान ने इन्हों गोलियों का शिकार बना चाहते हैं, तो साढ़े को पक्या रिपोर्टा आ गई ने कि साडे किसानों के जड़े ने वो सिविल वर्दी हरियाणा पुलिस जी अपने जड़े दूसरे आम जड़े हथियार होंगे ने हथियार लैके जो लसंसी हथियार असं लेने वो हथियार जड़े ने लैके ते वो साडे किसानां दे विच सिविल वर्दी विच आ चुके ने। जिहड़े हरियाणा पुलिस नूं गोलियां मारनगे वो फटड़ होणगे ते परचे जिहड़े साडे ते होणगे। सो ये इस मोर्चे नूं फेल करन लई ते ये सानूं किसानां नूं जिहड़ा वो बदनाम करन लई वो इंदिरा वाली तर्ज दे उत्ते जिहड़ा ये मोदी जिहड़ा ये किसान जथेबंदियां वल्लों अज दिल्ली कूच कीते जाण दे ऐलान। दरम्यान खनौरी विच अगे वधण वाले किसानां उत्ते कथित तौर ते गोली चलण नाल एक 22 साल नौजवान की मौत होने की खबर सामने आई है। नौजवान बठिंडा के पिंड वालों का रहने वाला किसान शुभकरण सिंह दसया जा रहा है। मिली जानकारी मुताबिक किसान शुभकरण सिंह सिर्फ 3 एकड़ जमीन का मालिक से। नौजवान किसान शुभकरण सिंह 3-4 दिन पहला ही किसान अंदोलन में खनौरी बॉर्डर उत्ते गया से। मृतक नौजवान दो भैणों का इकलौता भरा से। दूजे पासे अंबाला पुलिस ने दावा किया कि खनौरी बॉर्डर उत्ते किसी नौजवान की गोली लगन नाल मौत नहीं हुई है। मेरा नाम नरपैर सिंह है जी। पिंड केड़ा जी? पिंड भल्लू ही है। ये तुहाडे पिंड कहने मुंडे दी डैथ हुई है, की नाम? हाँ जी हाँ जी, मेरे चाचा जी का लड़का सी शुभकरण सिंह सोनर गग्गू जी, पिता राम चरणजीत सिंह जी। ये 16-17 तरीक नूं गए थे अपने खनौरी बार्डर से जी। ते की कारण की होया डैथ होण दा? कारण तां जी उत्थे गोली लग गई जी, हुण पक्का पता तां उत्थों पता लगूगा जी। गोली लगण नाल डैथ हो गई इहनां दी। ते परिवार च कौन कौन? परिवार च इहनां दे दादी जी ने जी, ते दो भैणां ने, इक भैण ब्याही हुई है रली जी, कुड़ी कुमारी है छोटी जी भैन जी। हाँ जी। मुंडे की उम्र भी लगभग 22 साल सी। मुंडा मैरिड सी? नहीं अनमैरिड ही सीगा जी। ते ये पहले जथेबंदी च भी काम करदा ही कहे च? हाँ जी, सिद्धूपुर जथेबंदी च काम करदे सीगे जी। ते किन्ना टाइम हो गया सी उत्थे गए नूं? इन्हां नूं हो गए जी मुंडे दा 5-6 दिन हो गए जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਵੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। सीधी सी जे किसान हमारे अन्नदाता हैं,
किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, पसीना बहाता है, रात दिन मेहनत करता है, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर हमारे लिए अन्न उगाता है। उनकी जो भी, वो गरीब है, अमीर तो नहीं है ना किसान। ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं किसान। इन लोगों ने तो बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं नेताओं ने। किसान की बात क्यों नहीं मानते? किसान की नाजायज, किसान की मांग क्या है? किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, उसकी बात क्यों नहीं मानते? किसान को ये क्यों करना पड़ रहा है? पंजाब सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जवाब दिता है। पंजाब के मुख सकत्र अनुराग वर्मा वालों पत्र भेज के जवाब दिता गया है। पत्र विच कहा गया कि यह कहना सरासर गलत है कि पंजाब सरकार शंभू और खनौरी बार्डर उत्ते लोगों इकट्ठे होने दे रही है। उन्होंने कहा कि किसान शांतमई तरीके रोस प्रदर्शन करने लिए दिल्ली जा रहे हैं, पर हरियाणा वालों आवाजाई उत्ते लगाई गई पाबंदियों कारण किसान पंजाब और हरियाणा की सरहद उत्ते रुक गए हैं। उन्होंने दसिया कि हुण तक हरियाणा पुलिस वालों ड्रोनों राही चलाए गए एथरू गैस के गोलियां, रबड़ दी गोलियां और शरीरक बल की वरतों कारण 160 तो वध किसान जख्मी हो चुके हैं। फिर भी पंजाब सरकार ने अमन कानून की स्थिति बरकरार रखने की जिम्मेवारी चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नाल गलबात विच पंजाब सरकार ने भी अहम भूमिका निभाई है। हुण तक हुई चार विचों तीन बैठकों विच मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों प्रति होर हमदर्दी विखाने की लोड़ है। दिल्ली विधानसभा में अज्ज बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट वालों चंडीगढ़ मेयर चोण के नतीजे पलटन उत्ते भाजपा की आलोचना की है। भगवत गीता का हवाला देंदे केजरीवाल ने कहा कि भगवान ने दखलअंदाजी करने का फैसला किया है, भाजपा के प्रचलित धर्म को खत्म कर दिता है। उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चोण उत्ते अदालत के फैसले लिए सुप्रीम कोर्ट और भारत के चीफ जस्टिस का भी धन्यवाद किया और कहा कि इसने देश के लोकतंत्र को बचाया है। चंडीगढ़ के अंदर इनके अधिकारी ने वोट में गड़बड़ करके भारी बहुमत से जीतने वाले व्यक्ति को हरा दिया और हारने वाले व्यक्ति को जिता दिया। पाकिस्तान में भी तो यही हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी तो रावलपिंडी के उस इलेक्शन कमिश्नर की आत्मा जाग गई जिसने आके कहा कि हमने भारी बहुमत से उन लोगों को हरा दिया जो भारी बहुमत से जीत रहे थे और उनको जिता दिया जो हार रहे थे। ये तो इन लोगों ने हमारे देश को पाकिस्तान बना दिया। 75 साल के अंदर जो इस देश ने अचीव किया था, हासिल किया था, कड़ी मेहनत से इस देश के 140 करोड़ लोगों ने मेहनत करके इस देश के अंदर हासिल किया था, और एक झटके के अंदर इन लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। आज चुनाव जीतने के लिए इनको जो मर्जी करना पड़े करेंगे, ईवीएम में धांधली करनी पड़े करेंगे, ईडी पीछे लगानी पड़े लगाएंगे, सरकारें गिराने के लिए जो मर्जी करना पड़े करेंगे। आज सारे विपक्ष के नेताओं को एक 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 करके ये जेल में डालते जा रहे हैं। चुनाव तो लड़ने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ। सुबह वोटिंग पड़ी, वोटिंग पढ़ने के बाद एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, इन्हीं का आदमी था। अनिल मसीह तो मोहरा है, पीछे तो वो है, उन्हीं का आदमी था। उस दिन इन लोगों ने तय किया कि आज उस हॉल के अंदर द्रौपदी का चीरहरण करेंगे। उन लोगों ने, इन कौरवों ने तय किया कि आज हम जनतंत्र का, भारतीय जनतंत्र का चीरहरण करेंगे। पूरी प्लानिंग करके आए थे। उसने तय किया कि मैं असली वोटों के ऊपर उनको ठप्पे मार मार के, डिफेस कर करके उनको इनवैलिड घोषित कर दूंगा और हारे हुए को जिता दूंगा। अब वहां पे श्री कृष्ण जी पहुंच गए द्रौपदी का चीरहरण रोकने के लिए। उस कमरे में दिखाई नहीं दिए किसी को, दृश्य थे लेकिन थे वहां पे। आप लोगों ने अगर वीडियो में देखा हो, वीडियो में वहां जितने बीजेपी वाले मौजूद थे सारे कह रहे हैं कैमरे ऑफ करो, कैमरे देखे आपने वीडियो, सारे चिल्ला रहे हैं कैमरे ऑफ करो, कैमरे ऑफ करो। कैमरे ऑफ क्यों नहीं हुए? श्री कृष्ण जी वहां मौजूद थे, उन्होंने कैमरे ऑफ किए। इन्होंने पूरी कोशिश करी कैमरे ऑफ करने की। उस दिन कैमरे ऑफ नहीं हुए। ये कोई संयोग नहीं है, ये ऊपर वाले का इशारा है, ऊपर वाले का। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जो पूरे दुनिया के अंदर हम तो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को 5 मिनट के अंदर भगवान ने पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया। जो लोग द्रौपदी का चीर हरण करने आए थे, जो लोग भारतीय जनतंत्र का चीर हरण करने आए थे,
भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरे देश के सामने उनका चीर हरण करके छोड़ा। और अध्यक्ष महोदय, उसके बाद की जो घटनाक्रम है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चला, हम लोग अदालतों को मंदिर की तरह मानते हैं। न्याय देना भगवान का काम है, न्याय भगवान देता है। इसलिए जज को भगवान का, जब जज अपनी कुर्सी पे बैठ के फैसले सुनाता है तो कहा जाता है कि एक तरह से भगवान फैसला सुना रहा। लेकिन कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटा वो उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ऐसे लगा जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भगवान मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर भगवान बोल रहे थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जुबान के ऊपर भगवान बैठे हुए थे, भगवान उनके जरिए बोल रहे थे। तो ये जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ वो ये दिखाता है कि अब हम, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, इस सदन के माध्यम से हम इस सदन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उस पूरी बेंच का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इतने कठिन समय के अंदर हमारे देश को, जनतंत्र को बचाने का काम किया। आज पूरे देश के सामने भगवान ने बेनकाब करके एक साफ साफ मैसेज दे दिया भगवान ने, बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। पूरे देश के सामने सबने वीडियो देखा है, सबने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुना है, सबने पूरे पिछले एक महीने के घटनाक्रम ने पूरे देश के सामने इस पार्टी का चीर हरण करके छोड़ दिया कि बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। ये कोई संयोग नहीं है कि एक छोटा सा चुनाव, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। हमने तो ऐसे सोचा था उस दिन कि ऐसे ही हो जाएगा, हमें तो एक छोटे से चुनाव ने पूरे देश के अंदर सारे देश को हिला दिया। कुछ ना कुछ तो भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान का संदेश है, मैं आ गया हूं। बीजेपी पाप कर रही है, बीजेपी अधर्म कर रही है, अब ये नहीं चलेगा। कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटा वो उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ऐसे लगा जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भगवान मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर भगवान बोल रहे थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जुबान के ऊपर भगवान बैठे हुए थे, भगवान उनके जरिए बोल रहे थे। तो ये जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ वो ये दिखाता है कि अब हम, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, इस सदन के माध्यम से हम इस सदन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उस पूरी बेंच का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इतने कठिन समय के अंदर हमारे देश को, जनतंत्र को बचाने का काम किया। आज पूरे देश के सामने भगवान ने बेनकाब करके एक साफ साफ मैसेज दे दिया भगवान ने, बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। जिन लोगों को लगता था बीजेपी हार नहीं सकती, भगवान ने दिखा दिया कि अगर चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी देश का चुनाव भी हार सकती है। भगवान ने पूरे देश को एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करी है कि हिम्मत मत हारो, खड़े हो, तुम लोग एक बहुत बड़े देश के निवासी हो, भारत के लोग एक बहुत बड़ी संस्कृति, हमारा कल्चर 3000-4000 साल पुराना है, डर के मत बैठो, खड़े हो, आप अपना कर्म करो, तुम लोग अपना कर्म करो। कई लोगों को इस देश के अंदर लगता है कि अब तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, वोट डाल के क्या फायदा है। भगवान कह रहा है बिल्कुल नहीं, वोट डालने जाओ, ईवीएम को मैं संभाल लूंगा।
सारे जने वोट डालने जाओ, कोई बिना वोट के मत रहना, वोट डालने जाओ, आवाज उठाओ, प्रदर्शन करो, इनके खिलाफ खड़े हो, भगवान तुम्हारे साथ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पश्चिमी बंगाल में सिख पुलिस अफसर की वतन प्रस्ती उत्ते सवाल चुकने लिए भाजपा नेतावां की सख्त आलोचना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत मंदभागी गल है कि भगवा पार्टी के आगू उस भाईचारे के अक्स उत्ते काबिलियत उत्ते सवाल चुक रहे हैं जिस भाईचारे को वतन प्रस्त के तौर उत्ते जाना जाता है। उन्हें कहा है कि भाजपा नेता इस हकीकत तो मुनकर हो चुके हैं कि पंजाबियों खास करके सिख भाईचारे ने देश की आजादी लिए मिसाली कुर्बानी दित्तियां ने। मुख्यमंत्री ने अगे कहा कि पंजाब के बहादुर पुत देश दी सरहदां दी राखी लई लामिसाल कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्हें कहा कि बहुत दुख की गल है कि भाजपा लीडर तनदेही नाल ड्यूटी निभा रहे सिख अफसर नूं इस देश दे विरोध वाला दस रहे ने। उन्हें कहा कि भाजपा की लीडरशिप नूं अपने नेतावां दे इस गैर जिम्मेवाराना निरादर अते वितकरे वाले रवैये लई माफ़ी मंगनी चाहीदी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि समुचा पंजाब बहादुर सिख पुलिस अफसर नाल डट के खड़ा है। आम आदमी पार्टी के मुख बुलारे मलविंदर सिंह कंग ने पश्चिमी बंगाल में सिख पुलिस अफसर को खालिस्तानी कहने लिए भाजपा नेतावां की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सिख विरोधी चेहरा नंगा होया। उन्होंने भी कहा कि इस तो पहला भी बीजेपी के कई आगू किसान अंदोलन वेले सिखा बाबत विवादित बयान देते रहे हैं। कल एक वीडियो जी सर्कुलेट हुई है मीडिया के साथियों वालों भी पूरे देश भर च कि वैसट बंगाल के अंदर एक डेकोरेटिड IPS ऑफिसर नूं जिहड़ा कि अपनी ओन ड्यूटी सी उन्हूं जिस तरीके नाल बीजेपी भारतीय जनता पार्टी दे जिहड़े सब तो वड्डे लीडर है वैसट बंगाल दे जिहड़े LOP भी हैं लीडर ऑफ अपोजिशन वैसट बंगाल असैंबली च सुवेंदु अधिकारी जिस तरीके नाल उन्होंने खालिस्तानी कह के ना सिर्फ सिखां दा बल्कि देश दे तमाम वो लोग जिहड़े नफरत पसंद नहीं करते उन्हां दा अपमान किया। गल सिर्फ कल सुवेंदु अधिकारी की कहण की तक सीमित नहीं है, यह जिहड़ा भाजपा का माइंडसैट है एंटी सिख ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ UP ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ UP ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BJP ਲੀਡਰ ਸੰਦੀਪ ਦੋਇਮੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ कि सरकार आने ते राजस्थान च सारे गुरद्वारा साहबान और मस्जिद ढा ढेरी कर दिते जाएंगे। जे तुसी इस तो भी पिछे चले जाओ BJP दे तमाम लीडर चाहे अनिल विज हरियाणे दे होण चाहे मीनाक्षी लेखी जिहड़ी सेंटर मिनिस्टर है चाहे मनोहर लाल खट्टर हिमसैल्फ चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा जदों पिछले किसानी अंदोलन के दौरान जिस तरीके नाल इन्हां ने सिखां नूं खासकर पग वालों नूं डीफेम किया उन्हों का अपमान किया इन्हों के माइंडसैट इन्हों की एंटी सिख जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी की सोच है उहदा रीसेंट एग्जाम्पल कल वैसट बंगाल च मिल वेखण नूं मिलिया। वैसट बंगाल का लीडर ऑफ अपोजिशन होवे और एक IPS अफसर प्राउड सिख डेकोरेटेड IPS अफसर अपनी ड्यूटी निभा रहा होवे ते उहनूं खालिस्तानी कहना यह अपने आप BJP की एंटी सिख जी मानसिकता दर्शाता है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप तो मंग करती है जिन्हों के इशारिया अज सारे देश नफरत फैलाई जा रही है सारे वर्ग नफरत फैलाई जा रही है वह BJP की लीडर इस वैसट बंगाल वाले इशू से माफी मंगी आके पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे किसान अपनी जायज मंगा नूं लैके जो धरना प्रदर्शन करते हैं कभी उन्होंने खालिस्तान नहीं कह दो कभी पाकिस्तान नहीं कह दो कभी एंटी नैशनल कह दो कभी कभी कुछ सिर्फ तो सिर्फ अपनी वोट बैंक वास्ते अपनी वोटों वास्ते। मीडिया के साथियों के राही मैं सारे देश के लोगों असी अपील भी करते हैं
और पंजाबियों नूं भी खासकर कि सावधान हो जाओ देश वाले इन नफरती लोगों तो। पंजाब दे पिंडां नूं निर्विघन बिजली सप्लाई देने लई पंजाब सरकार वल्लों लगातार यतन किए जा रहे हैं। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने अजनाला विच 66 केवी सबस्टेशन नूं अपग्रेड करके 220 केवी करन दा नीं पत्थर रख्या। इस मौके कैबिनेट मंत्री अते हलका विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल भी मौजूद सन। 34.76 करोड़ रुपए की लागत नाल अपग्रेड किए जाने वाले इस 220 केवी सबस्टेशन तो लगभग 115 पिंडां नूं लाभ मिलेगा। अजनाले दे विच जिहड़ा 66 केवी सब स्टेशन सीगा इहनूं असीं 220 केवी जिहड़ा आ उह बणाया। साडे माननयोग मंत्री साहब दीप सिंह जी धालीवाल साहब इहनां दी जदों तों 2 साल तों सहूलता संभालिया उदों तों ही इहनां दी इक इच्छा सीगी कि बिजली की सप्लाई नूं जिहड़ा निर्विघन जारी रखण वास्ते साडा जिहड़ा इह सब स्टेशन आ इतों 220 केवी किया जाए। तो साडे माननयोग मुख्यमंत्री साहब ने उन्होंने जिहड़ी डिमांड सीगी उहनूं मन्निया ते 35 करोड़ रुपया जारी किया इस सब स्टेशन नूं अपग्रेड करने वास्ते। और एक लगभग साल के विच असीं इहनूं जिहड़ा अपडेट कर देंगे। इहदे नाल साडे 66 केवी दे जिहड़े लागे 4-5 जिहड़े स्टेशन सीगे जिवें गद्दोमाल आ अजनाला आ ट्रांसफार्मर भी रख रहे हैं और 16 किलोमीटर नवी लाइन जी इतों खिंचागे। सो ये जरा अजनाला हलका पूरे अजनाले हल्के लगभग 125 पिंड जो कवर हो जूगा उन्होंने बिजली की निर्विघन सप्लाई जी कोई भी मुश्किल जी पेश नहीं। पहले ट्रांसफार्मर काफ़ी ओवरलोड रहेंगे उन्होंने तब्दील किया जाए बिल्कुल जे देखो ये 220 किया ही असं आए कि जे बाकी है जे ओवरलोड रेंगे उन्होंने डीलोड किया जाए। जदों भी कोई चीज़ के उत्ते लोड बढ़ जाता है ओवरलोड हो जाते हैं तो फिर जिथे वो सप्लाई कर रहे होंगे ने उत्थे भी मुश्किल आ जाती है। सो जिथे सप्लाई जा रही होंगी उ मुश्किल आ जाती है। सो असी पूरे पंजाब के वैसे लगे हुए हैं कि साढ़े जे ट्रांसफार्मर ने जिथे ज़्यादा कोई लोड आ उन्होंने डीलोड किया जाए। असी पूरे पंजाब दे विच काफ़ी ट्रांसफार्मर जिहड़े ने डीलोड किए ने। असी कदी कदी BDS स्कीम भी दिंदे आ कि लोग भी डिस्कलोज कर देन कि उन्हां दा किन्ना लोड आ ते उन्हां दे लोड दे हिसाब नाल असी ट्रांसफार्मर जिहड़े आ रख लैंदे आ। पर यह 66 KV तो 220 KV करना मैं समझदा कि बहुत वड्डा फैसला जिहड़ा अजनाले हल्के वास्ते आ जिहड़ा माननयोग मंत्री साहब की अगवाई दे विच साडे माननयोग मुख्यमंत्री साहब ने लिया। सो मैं इस मौके पर अज अजनाले के सारे इलाका निवासियों नूं धालीवाल साहब नूं दिल दीआं गहराइयां तों इन्हां दा धन्नवाद भी करदा इन्हां नूं वधाई भी दिंदा शुभकामनावां दिंदा परमात्मा इन्हां नूं होर बल बख्शे इस तरह हल्के की सेवा करे। तरन तारण के विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल ने CHC कसेल का अचनचेत दौरा किया। इस मौके पर सारा स्टाफ हाजिर पाया गया। विधायक डॉक्टर सोहल ने हैल्थ सेंटर विखे सफाई दे हालातों का जायजा लिया ते सफाई व्यवस्था नूं होर बेहतर बनाने लई कहा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों नूं बेहतर सेहत सेवाएं देने लई वचनबद्ध है। अज जी समूह सेहत केंद्र कसेल विखे पहुंचे हाँ जिथे कि स्टाफ लगभग सारा हाजिर आ। मैं पहला भी कुछ महीने पहला भी आया सी इत्थे जदों के हालत बहुत माड़ी सी पहला नालों काफ़ी सुधार होया वा ते बाकी जिहड़ा कुछ खामियां लगियां ने वह SMO साहब दे ध्यान च लियांता वा कि जो छोटिया मोटिया खामियां ने उन्होंने भी दूर किया जाए तो होर लोगों जिहड़ियां बेहतर सेवावां दित्तियां जाए। हाँ जी पहला नालों काफ़ी बेहतर आ। सो जो भी छोटी मोटी खामी आ वो इन्हों के ध्यान च लियांती है तो इन्होंने विश्वास दवाया वे कि असी होर तकड़े हो के मरीजों की सेवा करा। सरकार के वलों जिहड़ा 26 जनवरी तो ऐलान किया गया वा कि कोई भी दवाई बाहरों नहीं ली जाएगी सारिया अस्पताल च मिलनगियां। सो उस उन्होंने गाइडलाइनज के हिसाब के नाल इत्थे जो अस्पताल वालों ही सारी दवाई वगैरह दी जा रही है। सो मरीजों को भी पुछगिछ के दौरान पाया गया वा उन्होंने भी कहा कि सानू कोई मुश्किल नहीं गई सानू कोई बाहरों दवाई नहीं लैनी पैंदी सारा कुछ इत्थे जिहड़ा प्रबंध हैगा। सो लोग जिहड़े ने
ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਇੱਕ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਲਿਸਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਜ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।